योगी सरकारक बड निष्पत्ति। मुस्लिम बहुल अंचल विकास यूपी सरकार टार्गेट आउ एक पाद आगे योगी सरकार। उच्चकोटीर चिंताधारा एवं भल शासन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रेज बढ़िबारे लागिछि। उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल अंचल विकास योजना प्रस्तुत करिछन्ति योगी सरकार। योगी आदित्यनाथ सरकार तरफ उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल अंचल को चिह्नट कर सेठाकार भित्तिभूमि उन्नति कार्यक्रम हाथ को निजापड़ी। बीजेपी एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को गुरुत्व दे आसुथिबा बेले वर्तमान मुस्लिम बहुल अंचल भित्तिभूमि विकास को प्राधान्य देवा दलर रणनीति में एक बड़ परिवर्तन को दर्शाउछि बोली साधारण चर्चा होउछि। उत्तर प्रदेश संख्यालघु विभाग मंत्री दानिश अंसारी कहते मुस्लिम बहुल अंचल भित्तिभूमि विकास पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मनस्थ करते खूब शीघ्र केन्द्र और राज्य सरकार मिलित आनुकूल्य एसबु अंचल विकास पर 53.37 कोटी टंकारे विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नि मुस्लिम बहुल अंचल मोट 14 नुआ प्रकल्प पर सरकार योजना करिछन्ति। गाजीपुर 200 शय्या विशिष्ट बालिका हॉस्टल सह सरकारी महिला महाविद्यालय एक कॉन्फ्रेंस हॉल निर्माण पर योजना रही। रामपुर जिलार स्वार अंचल जनसंख्यार 50% रु अधिक संख्यालघु होइथिबारु सेठारे एक सरकारी होमियोपाथी डाक्तरखाना निर्माण करा जिबो। बुंदल सहर रे कर्मजीवी महिलांक निमन्ते 100 शय्या विशिष्ट हॉस्टल, सहारनपुर गनघोर कर्मजीवी महिलांक निमन्ते 50 शय्या विशिष्ट हॉस्टल, रामपुर रे सरकारी होमियोपाथी चिकित्सालय, बास्ती विद्यालय उन्नतीकरण पर योजना रखा जाइथिबा जनापड़िछि। व्यय अटकल 60% अर्थ केन्द्र सरकार जोगाइ देबा कोथिबा बेले बाकी अर्थ राज्य सरकार जोगाइबे बोली अंसारी सूचना देछन्ति। मुस्लिम बहुल अंचल खूब शीघ्र निजुक्ति मेला आयोजन करा जाए मुस्लिम युवकों निमन्ते कर्मसंस्थान व्यवस्था करा जिबो बोली अंसारी कहिछन्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।